इन पांच आदतों को बदल डालने से लक्ष्मी का आपके घर में सदैव वास रहेगा। सुबह शाम मिट्टी का दिया जो है लगाएं अपने घर में और मातेश्वरी के सामने उसको प्रज्वलित करें तो घर में सुख शांति का वास रहता है और मातेश्वरी सदैव प्रसन्न रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो सूरज निकलने से पहले मातेश्वरी के सामने दिया प्रज्वलित करते हैं उस घर में हमेशा ही लक्ष्मी का वास रहता है और कोई भी नेगेटिव एनर्जी ठहर नहीं पाती। तो रोज सुबह शाम आप मातेश्वरी के सामने मिट्टी का दिया लगाएं, इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी की भरमार मिलेगी। अधिकांश घरों में मैंने देखा है कि काम चलाने के लिए लोग लाल रंग का लट्टू लगा देते हैं या बल्ब लगा देते हैं, तो ये काम चलाना जो है यहाँ पर काम नहीं आएगा, आपको मिट्टी का दिया ही लगाना पड़ेगा। मिट्टी का दिया ही यूज़ कीजिए, बल्ब से काम नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास टाइम कम होता है तो हवन किसी और से कराते हैं, पंडितों से कराते हैं, लेकिन अगर हवन वो खुद करें तो उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि जिसको बुखार होता है दवाई उसी को लेनी पड़ती है। एक जो बहुत ज़रूरी बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि लोग दिया प्रज्वलित करने के बाद झाड़ू लगाते हैं, ऐसा कतई ना करें वरना आपकी लक्ष्मी कचड़े के साथ बहकर घर से बाहर निकल जाएगी। दिया लगाने के बाद कभी झाड़ू ना लगाएं, सबसे पहले सफाई करें उसके बाद दिया प्रज्वलित करें, इससे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी बनी रहती है। लक्ष्मी का आगमन होता है और जो है लक्ष्मी स्थिर रहती है। चांदी की कोई भी वस्तु मंदिर में अवश्य रखें, ऐसा माना जाता है कि चांदी जो है लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो इसको रखने से अपने मंदिर में आपके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा और ये मनी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। चाहे एक सिक्का ही हो वो भी आप रख सकते हो मंदिर में, चांदी का सिक्का रखिए और फिर देखिए कमाल, ये पैसों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा और अनजाने रास्तों से भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। चांदी का एक सिक्का आप रखिए मंदिर में और फिर देखिए इसके चमत्कार। पूजा करते वक्त मन में पूर्ण श्रद्धा रखें और भक्ति भाव से पूजा करें, ना कि मातेश्वरी से कुछ मांगने के लिए, स्वतः ही मातेश्वरी आपको वो दे देंगी जिसकी आपने कामना भी नहीं की होगी। बस मन में पूरी श्रद्धा और लेश मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए कि आपकी भक्ति में शक्ति नहीं है, बस आप करते रहिए और फिर देखिए मातेश्वरी आपके लिए क्या कर सकती हैं। मुझे कॉल कीजिएगा इन नंबरों पर अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही हो। थैंक यू।